नाम क्या है तेरा? तुम्हें क्या करना है? अरे रोज तुझे इधर उधर भटकते देखता हूँ। किसके घर पर आई है तू? मैं अपने अंकल के यहाँ आई हूँ। अंकल के यहाँ ज्यादा दिन तक नहीं रहते बेटा, वापस अपने घर जाओ। तुम जाओ अपना काम करो। नौटंकी करते हैं अंकल के घर पर आए, गोंद लेकर चिपक ही जाते हैं अंकल के घर पे। क्यों पीट रहा है इसको? मैं अपनी बीवी को मार रहा हूँ, तू कौन है रे पूछने वाला? तो बीवी, ये शब्द बोलने का भी हक नहीं है तुझे। दो दो बच्चे होने के बावजूद भी अपनी बीवी को मार रहा है, इंसान तो क्या, तू तो जानवर कहलाने के लायक भी नहीं है। तेरे बच्चे तुझे देखकर डर रहे हैं, कितने सहमे हुए हैं, तुझे कुछ ख्याल भी है उनका? एक बात याद रखना, पिएगा तो घर उजड़ेगा, वहीं प्यार करेगा तो घर बसेगा। शेखर भाई के बेटे ने क्या अच्छी बात कही ना। हाँ, इसे समझाने का सही तरीका अपनाया उसने। अरे यार, चंदू कॉलेज नहीं आया। उसने ट्रैफिक हवलदार को 10 रुपए की रिश्वत दी थी, वो उसे पकड़कर कोर्ट में ले गया। अरे सुभाष, उसकी सेवा कर करके थक गया हूँ यार। अरे बाप रे, इस फ्रस्ट्रेशन से रिलीफ चाहता हूँ मैं। कल अपने हीरो की फिल्म रिलीज हो रही है, कैसे भी करके टिकट ले आना यार, प्लीज। भाई, तेरे साथ पिक्चर देखेंगे तो हमारी रक्षा कौन करेगा? तू एक काम कर, अकेला जाकर देख ले, हमें यहीं रहने दे प्लीज। इस मामले में तेरा और मेरा कोई साथ नहीं, चल जा। अरे प्लीज यार, चलो ना, तुम लोग के बिना कभी पिक्चर देखा हूँ क्या मैं? तुझे जाना है तो जा, चल निकल, हम नहीं जाएंगे। अरे तुम लोग तो चलो यार। नहीं जाएंगे। ए, मेरी बात ध्यान से सुन ले, कल मैं मॉर्निंग शो देखने जा रहा हूँ। जाना, कपड़े फाड़ देते हैं यार, किसी और थिएटर में चलेंगे। ठीक है ना, तुम लोगों को प्रिंसिपल साहब बुला रहे हैं, चलो। वेट करने के लिए बोलो, खाली तो बैठा है वहाँ, चल जा। अबे ऐसे क्या घूर रहा है, हमें बताने आया या घूरने आया? चल जा ना। अच्छा, मैं बाद में बताता हूँ। एक बोलता है चल, दूसरा आ जाता है बुलाने। ए, सिगरेट देख। हाँ लेना भाई। क्यों रे, पेरेंट्स को तो लेके आया नहीं और बुलाने पे नाटक कर रहा है, और अब आया है तो मेरे सामने अकड़ के घूम रहा है। लगता है बहुत चर्बी चढ़ गई है। क्यों रे, कुछ बोलता क्यों नहीं? सर, इस चप्पल की वजह से, जब से पहनी है मेरे पांव ही नहीं रुक रहे हैं, इतना कंफर्ट है ये सर। चाहिए तो आप भी ले सकते हैं सर। आपकी साइज की है ये? तो मेरी चप्पल है। स्वर्ण कॉलोनी पता है ना, वहीं से रात को 10 बजे खरीदे हैं, अच्छा डिस्काउंट मिला है। ए, सर, तू जा। घर पर जाऊं क्या सर? अरे जाना। हाँ ठीक है सर। शॉप के बारे में तो अच्छे से पता चल गया होगा आपको। आप चाहते हैं कि डिस्काउंट के बारे में किसी को पता ना चले, तो थोड़ा साइलेंट रहना पड़ेगा। नहीं तो एक काम करता हूँ, पेरेंट्स को लेकर आ जाता हूँ। अरे रे, रुक जाओ, मैं हाथ जोड़ता हूँ। तुम्हें जब आना हो आओ, जब जाना हो जाओ, लेकिन इस शॉप के बारे में किसी को मत बताना प्लीज, प्लीज, प्लीज। सर, अगली बार जाइएगा तो चप्पल को शॉप के अंदर रख लीजिएगा, कार भी अवॉइड कीजिए तो अच्छा है। वॉकिंग इज बेटर बिफोर गोइंग टू शॉप। नमस्ते सर। हे भगवान, ये कहाँ फंस गया मैं? सर, हाँ, टेस्ट अच्छा है आपका, सुपर। हे भगवान, छी छी छी। प्लीज यार, एक बार मेरी हेल्प कर दे, मैं वहां जाऊंगा तो मुझे टिकट नहीं मिलेगी। ये 100 रुपए रख और मेरे लिए एक टिकट ले आ, प्लीज 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 प्लीज। तू जो बोलेगी मैं वो करूंगा, प्लीज प्लीज। ठीक है, ला दे। थैंक यू। ये हीरो मेरा भी फेवरेट है। फर्स्ट शो नहीं देखूंगा तो मेरा दिमाग खराब हो जाएगा। ए, प्लीज रे। अरे क्या लड़की है। दिमाग खराब करके रख दिया मेरा।